ओके, सो सबसे पहले सबका जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में स्वागत है, क्योंकि सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑल ओवर इंडिया के यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट अभी यहाँ पे काम करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले हम गैलरी नाइन फिश और गुरुमन दास को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सब इतने लोग एक साथ कलेक्ट करना और उनके लिए एक मौका देना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्योंकि हर कोई आर्ट फील्ड में काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आर्ट के लिए या आर्टिस्ट के लिए बेसिकली जो फाइन आर्ट में काम करते हैं उन लोगों के लिए उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना हमारे पास उतनी ज़्यादा रेसिडेंसी है या ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है, ठीक है, बहुत कम है। और फिर भी हम लोग आर्ट में कुछ करना चाहते हैं, तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ या कुछ गैलरीज अगर आगे आ जाती है तो आने वाले जनरेशन्स के लिए और यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आर्ट स्कूल के निकलने के बाद मोस्टली एक जो कंटिन्यू 10 साल होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस पीरियड में हमें सर्वाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे वो उतना एनवायरनमेंट या आर्ट के लिए उतना अच्छा माहौल नहीं बना कि कोई प्रॉपर आर्ट के लिए या सिर्फ आर्ट करके पूरा लाइफ हम लोग आसानी से जी सकते हैं। नॉट यहाँ पे भी नहीं, अदर स्टेट में या अदर कंट्री में भी नहीं है, फिर भी हम लोग इस फील्ड में आगे जाके करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि एज अ आर्ट स्कूल्स हम तो विजुअल लैंग्वेज सिखाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको बहुत सारे सपने दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली फील्ड में जाने के बाद जो स्ट्रगल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब हमारा जो स्किल होता है, हमारा जो नॉलेज होता है और हमारा पैशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि वो तब हमें इतनी सारे परीक्षाएँ देनी पड़ती है कि हम खुद का जो हमारे अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको हमें जिंदा रखना है, और उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इस टाइप के जो गैलरीज है या सपोर्टर्स है वो और भी ज़्यादा लोग आने चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए हम अच्छा मौका मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आज हमारे फैकल्टी है डॉक्टर शशिकांत गोरखे और सीमा मैडम, ये आपके साथ में यहाँ पे रहेंगे, और बाकी तो बहुत सारे लोगों को डिपार्टमेंट पता है। आदर्श है, क्योंकि आदर्श मुझे मिला था आई थिंक, हाँ, तो तब उन्होंने बात किया था कि एक ग्रुप है, हम इस ग्रुप के साथ कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। मैंने ठीक है देखते हैं कुछ तो करेंगे, लेकिन वो टाइम जल्दी आ गया। और दूसरा कि हमारे जो मास्टर्स की बच्चे उन वो भी आपके साथ में कुछ सीख सकते हैं, आपका काम देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं उनके उनको देख के जूनियर सीखते हैं, तो एक अच्छा मौका है हमारे बैचलर्स के और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छा काम करो, एंजॉय करो, थैंक यू। सबने तो आपको सब बता दिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी, अभी हम लोग 4 दिन है साथ में, तो आप हमसे आके बात कर सकते हैं, इससे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अच्छे से काम करिए, आपका सबका काम अच्छा हो, मैं यही ऊपर अपेक्षा करता हूँ। और हम लोग अलग जगह से आए हैं, अलग स्टूडियो में काम कर रहे हैं, ये सोचने से अच्छा हमारा काम कितना अच्छा होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये करें तो ज़्यादा अच्छा हो, बस मैं इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं तो आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली जेजे स्कूल ऑफ आर्ट वो ऐसा हमारा एक इंस्टीट्यूट है कि यहाँ पे सिर्फ जहाँ से हम लोग, जब मैं स्टूडेंट थी तब से, मैं तो ठीक है, लेकिन हर कोई चाहता है कि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में
एंटर हो गए, थोड़ा सा कुछ तो भी मुझे तकलीफ हुई। और ये जो जजेस का हमारा कंप्लेंट सबके ऊपर जो एक पार्थिक किया गया, मतलब उसका एक पूरा प्रभाव है और रहना भी चाहिए, क्योंकि उतना इस कॉलेज से दिया गया है। सबसे पहले अपने जजेस को काटने में आप लोगों का वेलकम करूंगी। और सबसे पहले दूसरा जो पार्ट है मेरा, वो सेकंड पार्ट है अत्री, जो आपके साथ जो अत्री ने आप लोगों को कलेक्ट किया है उसका जर्नी। अभी जैसे कि मेरे सब मेरे भी बच्चे आप लोगों के साथ भरे हुए हैं, जैसे हमारा चरण है, आदर्श है, तो इन लोगों से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कभी फीडबैक मिलता ही रहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि प्रिंट मेकिंग का मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या, क्योंकि आप लोग जब काम करोगे तो ये प्रिंट मेकिंग आगे जा रहा है। और प्रिंट मेकिंग के लिए जब आप खुद होके आगे आ रहे हो और उसको कलेक्ट करने वाला अगर कोई बंदा है, अब उसके ऊपर आप भरोसा करके आप इतना दूर आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक टीचर ने किया, एक इंस्टीट्यूट ने किया, एक किसी संस्था ने, जब ठीक है जैसे कि डब्ल्यू जेड सी सी है या उन्होंने किया, उसके ऊपर आप प्रेस करके आ जाते, लेकिन एक आप में से अभी अभी जो पास आउट हुए हैं, अभी अभी उन्होंने थोड़ा सा कुछ भी किया है और आप सबों को साथ में लेके वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्योंकि मुझे पता है उसका जर्नी क्या रहा है, क्या नहीं रहा, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। अभी हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके काम में से और आपका जो भी इसमें आपका एक्सपीरियंस रहेगा इस इंस्टीट्यूट में काम करते समय, तो बस वही मुझे सब बता देगा, आप सबको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और हम लोग क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं अभी भी आप लोगों का इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो अत्री ने उनको कलेक्ट किया, तो मेरे साथ क्यों नहीं इतने जुड़े, लेकिन उसके साथ जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है और ये होना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ग्रुप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस लिया है कि जाने पांच का ही हमारा ग्रुप था ना स्कूल से, लेकिन ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर थोड़ा कम होता है तो दूसरा वो फुल भी कर देता है, दूसरा पार्ट वो उसके बाद जो भी कम होता है वो तीसरा फुल भी कर देता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि एक साथ अभी पूरे अपने इंडिया में कितने जहाँ से भी आप लोग आए हो, तो आपको अभी सिर्फ मैं नहीं जानूंगी या सिर्फ आपकी फ्रेंड नहीं जानेगी, तो ये इतने सारे पूरे पब्लिक इंडिया से लोग जानने वाले हैं कि हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, वर्कशॉप का मकसद ही वो होता है कि जब हम लोग अलग अलग स्टेट से आते थे या फिर बड़ा इंटरनेशनल होता है तो अलग अलग कंट्री से आए थे, तो वहाँ पे एक दूसरे से पहचान हो, इंटरेक्शन हो और कहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता चले, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और फिर हमारा कल्चर, हमारा काम करने का तरीका, फिर आपका काम करने का तरीका, ये सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और वो इम्प्रूवमेंट होती है, वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो आप लोग अब अपना काम शुरू करो, हाँ, क्योंकि टाइम कम है, तो टाइम टाइम अभी बात होती रहेगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ।